इंटरनेट की दुनिया में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी जो इससे रिलेटेड है वो मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। होता क्या है कि अगर कुछ टर्म्स को हम नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझते हैं, तो फिर बात की जो कंटेंट है वो समझ में नहीं आती है। बहुत माइनर चीज़ होती है, लेकिन नहीं समझने से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो चलें आज के वीडियो लेक्चर में देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले है हाइपरलिंक समझते हैं। देखें, ये टर्म्स आपने बार बार सुना होगा कि हाइपरलिंक होता क्या है। किसी बच्चे से अगर पूछा जाए कि हाइपरलिंक क्या होता है, तो वो बताएगा कि ये एक लिंक होता है और इससे दूसरे हम जो है लोकेशन में जंप कर सकते हैं, जा सकते हैं। कंसेप्ट कुछ इसी तरीके से है कि हाइपरलिंक होता है क्या है। इसमें अगर आप डेफिनेशन में देखेंगे तो इन अ वेबसाइट हाइपरलिंक और लिंक इज़ लाइक अ वर्ड और बटन दैट पॉइंट्स टू अनदर लोकेशन। यानी वेबसाइट में हाइपरलिंक क्या होता है, कोई वर्ड होता है या फिर बटन होता है जो किसी दूसरे लोकेशन को पॉइंट करता है। यानी अगर एक यूज़र वेबसाइट जो है सर्व कर रहा है, वेब पेज खोला हुआ, और उस पर अगर किसी टेक्स्ट पे क्लिक करता है, तो दूसरे पेज पे, दूसरे सेक्शन पे, या फिर वेब पेज के बाहर अगर वो जंप करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, टू नेविगेट ऑनलाइन कंटेंट। यानी कि ऑनलाइन कंटेंट दूसरे पेजेस से या सेम पेजेस से अगर हम उसको सर्च कर रहे हैं, उस पर विजिट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो जो है नेविगेट करने के लिए हाइपरलिंक का यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट क्या, हाइपर लिंक्स कैन पॉइंट टू वेब कंटेंट दैट इज़ पार्ट ऑफ द वेबसाइट और एक्सटर्नल वेबसाइट। वही डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको बताया, या तो उस वेबसाइट का पार्ट भी हो सकता है या फिर वेबसाइट के बाहर का भी पार्ट हो सकता है। ठीक है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो देखें आप यहाँ नीचे में सबसे लास्ट पॉइंट में है कि हाइपरलिंक क्या कंटेंस करता है, द URL ऑफ द वेब पेज। अभी एक एग्जांपल आपको हम दिखाएंगे कि हाइपरलिंक जो URL कंटेन करता है वेब पेज का, वो किस तरीके से करता है, कैसे हम समझेंगे। तो इसको समझने के लिए पहले हम हाइपर टेक्स्ट को भी समझ लेते हैं। तो हाइपरलिंक आपने देख लिया किस तरीके से हम देखते हैं हाइपरलिंक, चलिए अब देखते हैं हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। ये देखें स्क्रीन पे हाइपर टेक्स्ट, इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। इट रेफर्स टू अ वर्ड और फ्रेज दैट कैन बी लिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट। यानी ये एक वर्ड होता है या फ्रेज होता है जो दूसरे डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट के साथ लिंक्ड होता है। तो अब दोनों का डेफिनेशन तो लगभग सेम लग रहा है, लेकिन डिफरेंस है ये, इसमें जो है ये दोनों में डिफरेंस ये है कि हाइपरलिंक जो होते हैं वो URL होते हैं। ठीक है, हाइपरलिंक जो होते हैं वो URL होते हैं, और हाइपर टेक्स्ट जो है वो वर्ड या फ्रेज होते हैं। अब यहाँ देखते हैं आगे में, उसके बाद एग्जाम्पल्स आपको समझाते हैं। हाइपर टेक्स्ट इन्वॉल्व्स ओनली टेक्स्ट, यानी हाइपर टेक्स्ट जो होता है वो सिर्फ टेक्स्ट होता है। कैसे, एक एग्जाम्पल देखें आप यहाँ, आपको बहुत कंसेप्ट जो आपका वो क्लियर हो जाएगा हाइपरलिंक और हाइपर टेक्स्ट में। देखें ये जो है, ये जो इसको हम URL कहेंगे, ठीक है ना, और ये जो है उस वर्ड के, ये जो है ये वर्ड है या फिर फ्रेज है या फिर टेक्स्ट भी कह सकते हैं, इसको हम हाइपर टेक्स्ट कहेंगे और इसको हाइपर लिंक। यानी यूज़र को ये वाला दिखेगा, पर्सनल वेब ये दिखेगा जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा। जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो हम कहाँ पे नेविगेट करेंगे, कौन सा वेब पेज को, ये वाला जो पार्ट है प्रोफ एम इब्रार जो है इस पर हम पहुँच जाएंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि हाइपर टेक्स्ट क्या है और हाइपर लिंक है। यानी हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो हम हाइपर लिंक के माध्यम से इस पेज में पहुँच रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया, हाइपर टेक्स्ट क्या है और हाइपर लिंक क्या है। ठीक है, तो दो सीखने के बाद, दो समझने के बाद, तीसरा जो आता है वो है आपका हाइपर मीडिया। ये देखें हाइपर मीडिया, हाइपर मीडिया क्या होता है। मीडिया जो टर्म है, मीडिया का मतलब होता है जो ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स एनिमेशन, तो उससे जो है वो मीडिया रेफर करता है। यानी इट रेफर्स टू कनेक्टिंग हाइपर टेक्स्ट विद अदर मीडिया सच एज ग्राफिक्स साउंड्स वीडियो एनिमेशन एट्सेट्रा। और ये जो हाइपर मीडिया है ये हाइपर टेक्स्ट का इन्हेंस्ड वर्जन भी है। चलें अगर डेफिनेशन अगर ज़्यादा क्लियर नहीं है तो हम इसको एग्जांपल पे समझाते हैं कि हाइपर मीडिया होता क्या है। देखें अगर आप कोई वेब पेज जो है आप सर्च कर रहे हैं या वेब पेज में आप हैं, ठीक है ना, तो वेब पेज में आप यहाँ पे कुछ अगर टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं, कुछ न्यूज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कभी कभी साइड में कुछ एनिमेशन मूव होता है, ठीक है, या कुछ बटन यहाँ पे शो करता है या फिर कुछ जो टेक्स्ट स्क्रॉल होता है। तो इसके ये सब जो भी चीज़ एलिमेंट्स यहाँ पे हैं,
इस एलिमेंट्स पे अगर क्लिक किया जाए तो वो कहीं ना कहीं हमको ले जाएगी। ठीक है, अब देखें ये सब जो है, ये जो है आपका जो एनिमेशन है या फिर यहाँ पे ऑडियो है या वीडियो है या ये बटन है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ रेफरेंस है, किसी का लिंक है। तो अगर इसको पढ़ने के दौरान अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, जैसे आपको वेब पेज सर्च करते हैं या देखते हैं, तो आपके सामने कभी फ्लिपकार्ट का या फिर कभी कुछ दूसरे साइट्स का जो आपके सामने उसकी जो है कोई भी सिंबल्स शो करते हैं, जिसको क्लिक करने से हम उसी वेबसाइट तक पहुंच जाते हैं। तो ये आपका हो गया हाइपरमीडिया, यानी मीडिया के माध्यम से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, इसके बैकग्राउंड में जो भी यूआरएल दिया होगा हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हालांकि इसके बैकग्राउंड में भी यूआरएल ही है, इसके बैकग्राउंड में भी क्या है, यूआरएल है। दैट मीन्स इसके जब भी क्लिक करेंगे इस हाइपर मीडिया के ऊपर तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, इसके बैकग्राउंड में जो यूआरएल दिया रहेगा हम वहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे मान लें अगर आप ये वेबसाइट है आपका, अब आपको यहाँ पे साइड में ऐसे करके ट्विटर करके लिखा हुआ है, तो ये क्या है, बटन है या फिर इसमें कुछ एनिमेशन है। तो जैसे यहाँ पे यूज़र क्लिक करेगा ये ट्विटर के पेज में पहुँच जाएगा। तो आपको आपने देखा कि किस तरीके से हाइपर मीडिया का यूज़ करके हम दूसरे पेज में जंप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपने देखा हाइपर लिंक, हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया, सबका जो पर्पस एक ही है कि दूसरे कंटेंट में, दूसरे सेक्शन में या फिर दूसरे पेजेस में या फिर इंटरनल या एक्सटर्नल पेजेस में हम जंप कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत जो है माइनर डिफरेंसेस है। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए है। हाइपर लिंक्स एक्चुअल यूआरएल होता है, और हाइपर मीडिया जो होते हैं वो डिफरेंट ग्राफिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। अगर हमें वेब पेज सर्च करने के दौरान कुछ ऐसा हमें पिक्चर या फिर हमें वीडियो मिल जाए जिस पे हम क्लिक करके दूसरे जगह पहुंच जाएं, तो फिर वो हाइपर मीडिया कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में करें और आगे भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।